हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज जब मैं ऑफलाइन मार्केट गया था तो मेरे को एक टीवी दिखा ईगो पिक के नाम से, तो मैं उसको उठा लाया। मैं कहा चलो फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो देखो भाई, ये है ईगो पिक के नाम से एक टीवी आता है, 32 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले, और उसके बाद इसमें रैम है 512 MB और स्टोरेज है 4 GB का। तो मैं कहा चलो यार फटाफट इसकी भी अनबॉक्सिंग डाल देते हैं। तो देखो भाई, मैं खोल रहा हूँ। अरे यार, ये पेन कहाँ चल गया यार, उससे पेन से खुला ही नहीं, अनबॉक्सिंग ही बेकार है भाई। चलो कोई नया तरीका अपनाते हैं। तो भैया चलो चलो, खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा। अरे यार चलो छोड़ो, अब खुलेगा। अब भैया पर प्रैक्टिस करके आए हैं, अब कैसे नहीं खुलेगा। खुल जा सिम सिम, खुल जा। एक खुल गया। अरे टीवी का यार, टीवी नहीं दिख रहा भाई, टीवी के लिए तो मैं आया हूँ। अरे टीवी है ही नहीं, लो। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो भाई, है ना इधर, लो ये रहा टीवी। ठीक है, अब फटाफट से भाई ये देखो, ये इसके साथ निकलता है एक रिमोट और दो सेल निकले थे इसके साथ, और एक माउंट वॉल का स्टैंड निकला था। इतना मुझे कोई इंपॉर्टेंट नहीं लगा तो मैंने दिखाया नहीं। बाकी जब तक ये बूट हो रहा है तब तक मैंने इसको फटाफट से कट कर दिया, ताकि आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा टाइम ना देना पड़े इसको। तो अभी फाइनली ये बूट हो चुका है। सबसे पहले हम इसके इंटरफेस की बात करते हैं। तो इसमें एक मिलता है हमें AV1, AV2 और एक मिलता है HDMI। ठीक है, उसके बाद इधर मिलते हैं अभी ऐप्स, नेटवर्क, मीडिया, सेटिंग। तो सबसे पहले हम चलते हैं भैया अपने इधर उधर, देखें अपने ऐप्स कि कौन कौन से ब्राउजर मिलता है। कोडी लिंक का मतलब कास्ट करने के लिए हमें एक मिलता है, मीडिया मिलती है, ऐप स्टोर मिलता है, एक ऐप्स डाउनलोड करने के लिए इसमें प्ले स्टोर, इसमें हमें ऐप स्टोर दिया गया है। उसके बाद फिर हमें ऐप स्टोर मिलता है। तो चलिए फटाफट से हम जब बिना किसी देने के फटाफट सेटिंग में चलते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें भी क्या क्या है। तो मैं सेटिंग में गया और अभी फटाफट हम जाते हैं सिस्टम इन्फो में। तो देखो इसमें इंटरनल स्टोरेज है 512 MB, वो हाँ इंटरनल स्टोरेज सॉरी 4 GB है। मेमोरी है आपकी, मेमोरी है 512 MB, मतलब वही रैम 512 MB है और स्टोरेज 4 GB का है। स्मार्ट टीवी है, एंड्रॉयड 9.0 पे बेस्ड है और 4 कोर प्रोसेसर है। करंट वर्जन इसका यही है, लेटेस्ट वर्जन। उसके बाद ये इसका कीबोर्ड वगैरह आप चेंज कर सकते हो, टाइम आप कर सकते हो कि आपको टाइम अगर ये गलत बता रहा है तो बस टाइप आप देख सकते हो। और नेटवर्क्स में आप अपने मतलब नेटबोर्ड मतलब वाईफाई से कर सकते हो, और इस पर पीछे से एक वायर लगा सके भी नेट इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे आपके वाईफाई लगा हो, आपने वायर लगा ली तो उससे भी आपका नेट आ जाएगा इजीली। वाईफाई मैंने फटाफट अपना कनेक्ट कर लिया है। तो फटाफट अब चलिए फटाफट इसको देखते हैं कि इसमें और क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं अभी चलता हूँ आपको लेके इसके ऐप स्टोर में। ऐप स्टोर भाई, अरे नहीं चलिए हॉटस्टार में पहले ले चलता हूँ, ऐप स्टोर तो बाद में होता ही रहेगा। तो हॉटस्टार में फटाफट लेके गए कि देखिए हॉटस्टार ये ओपन हो रहा है। यहाँ पे मैंने आवाज़ स्लो कर दी है, बंद कर दी है, क्योंकि ना कहीं एकदम से हु आवाज़ निकलती है एक तो इसमें से। तो भैया देखिए, मैंने हॉटस्टार ओपन करा है। तो हॉटस्टार ओपन करके तो बस यही हुआ है, फटाफट से मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि भैया आपको पता ही है क्यों हटा रहा हूँ, चांसेस हो सकते हैं। तो अब फटाफट से अब चलते हैं इसके ऐप स्टोर में। अब फटाफट से हम इसके ऐप स्टोर में आ चुके हैं। तो इसके ऐप स्टोर में हमें कुछ लिमिटेड ऐप्स मिलते हैं, जैसे प्ले स्टोर के हमें मिलते हैं 500+ ऐप्स, इसमें भी हमें कुछ लिमिटेड ऐप्स मिलते हैं। आप देख लीजिए इसको कौन कौन से ओपन ब्राउजर है, यूट्यूब है, एम एक्स प्लेयर है, सोनी लिव है, अमेजोन है। और ये देखिए इसमें WPS ऑफिस भी मिलता है आपको, ये देखिए WPS ऑफिस आपको मिल रहा है। आप WPS ऑफिस से फाइल्स वगैरह देख सकते हैं, एम एक्स प्लेयर वही, फिर आ गया यू एफ टी वी है, टेड है, जियो सिनेमा है, अमेजोन प्राइम आता है इसमें, अमेजोन प्राइम वगैरह सब तो इसमें, Z5, वूट, ये सब तो होता ही है। और भी मैं आपको ऐप्स दिखाना चाह रहा हूँ जितने मैं आपको दिखा पाऊँ। आई होप मैं आपको सारे ऐप्स तो नहीं, लेकिन थोड़े बहुत तो दिखाई दूँ। उसके बाद फिर भी इसमें न्यूज़ के कुछ होते हैं, लाइफ स्टाइल का कुछ है, फिर ये टूल्स होते हैं जैसे वेदर का, नीचे अभी आपको दिया, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो इसमें फेसबुक है, मैं तो फेसबुक देखी थी, मैं आपको दिखाऊँ। स्काइप भी है इसमें, उधर आके ट्विटर भी है। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी इसकी। इस पे देखिए वेदर के ऊपर है, इसमें थोड़े गेम्स वगैरह, गेम्स इसमें थोड़े लिमिटेड है, लेकिन हाँ लेकिन अच्छे गेम्स हैं कह सकते हो, हाँ ठीक ठाक है, इतना कोई रैम पे भी असर नहीं डालते, अच्छे गेम्स हैं इसमें। उसके बाद यही फिर आपका अबाउट में आ जाओगे आप अपने आप ही, और फिर एप्लीकेशन वही आपका हो जाएगा। बाई एप्स भी मेरे दिखा रहे हैं ऐप्स, ये कोटी लिंक है। कोटी लिंक का मतलब जो हमें कास्ट करने के लिए जरूरत होता है वो है ये एमकास्ट, जिसे आप लोग कहते हैं, इसमें कोड लिंक है। अभी मैं आपको इसमें एक चीज दिखाऊंगा बहुत बढ़िया से, देखना ये देखिए इसमें इंस्टाग्राम तक है। मैंने इंस्टाग्राम चलाया था आपकी वीडियो बनाने से पहले, इसमें इंस्टाग्राम तक है, बताइए
अच्छा है वैसे, काफी अच्छा है इस मामले में तो। इंस्टाग्राम भी दे दिया, ट्विटर भी दे दिया, मैं कहा व्हाट्सएप भी दे देते यार। चलो छोड़ो, मुझे क्या करना। और ये देखिए इसमें वेदर भी, मैंने आपको उस समय वेदर दिखाना भूल गया था, सॉरी। अब मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, वेदर मैंने डाउनलोड करा था, वेदर एक्यूरेट बताता है एकदम। बाकी चलिए इसके फटाफट यूट्यूब पे चलते हैं। अरे यूट्यूब तो होता ही रहेगा, मैं आपको पहले पिक्चर क्वालिटी दिखा देता हूँ उसकी, फिर आप कहेंगे कि पिक्चर क्वालिटी तो दिखाई ही नहीं। अरे यूट्यूब ओपन होने में भी थोड़ा टाइम ले रहा था, वाईफाई क्योंकि मेरा अच्छा आ नहीं रहता था, तो मैंने सोचा पहले आपको पिक्चर क्वालिटी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए इसकी थोड़ी पिक्चर क्वालिटी है, आप इसको एंजॉय कीजिए, मैं अपनी वॉइस को ऑफ कर देता हूँ। कैमरे से तो आपको इसकी पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लग रही होगी, क्योंकि मैंने इसको फ़ोन से रिकॉर्ड किया है, वैसे इसकी पिक्चर क्वालिटी डिसेंट है, बाकी आपको जैसी लगे। और बाकी ये टीवी मेरे को बहुत पसंद आया है, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग वीडियो देखते तो सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।